हेलो हाय, वेलकम टू फॉरवर्डर आरके। और सबको बहुत बहुत राखी का अभिनंदन, रक्षाबंधन का। आज मैं आया हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेके, क्योंकि आज कुछ करेंगे अनबॉक्सिंग। कुछ आया है, एक मैंने मंगाया था एक अमेजन से, तो इसका भी टेस्टिंग करेंगे। और ये क्या है, ये सरप्राइज है भाई साहब। लेकिन उसके साथ साथ मुझे और एक सरप्राइज मिला, ये देख रहे हो, ये ऑलरेडी प्री ऑर्डर था जिसको मैंने नहीं मंगाया है। तो शायद मुझे लगता है कि मेरी बहन ने कुछ भेजा है। तो करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इसमें। लिया चाकू, तो चाकू को करूँगा प्लेस, अभी कर देता हूँ इसको साइड। देख रहे हो भाई साहब, चटाई पे बैठा हूँ, कर देता हूँ। अरे यार रुकना, तो इसको करेंगे अनबॉक्सिंग। चलो कर देता हूँ अनबॉक्सिंग, इसको पहले करेंगे, काटेंगे यहाँ से। मुझे भी पता नहीं, एक्चुअली सच में बोल रहा हूँ यार, मुझे पता नहीं ये क्या है। मेरे पास एक चाकू है, छोटा सा है, लेकिन भाई साहब बहुत तेज़ रखता हूँ उसको, कुछ भी काटने का काम आएगा। तो भाई साहब सरप्राइज़ क्या है, बहुत एक्साइटमेंट भी लग रहा है और एक अजीब सा फीलिंग भी आ रहा है कि मेरी बहन ने जो भी दिया है मुझे सरप्राइज ही किया है। इसका क्या है, राखी फॉर ब्रदर कॉम्बो विथ किट। ओ लव यू ब्रो, चलो कुछ तो भेजा है। नियर सुबह बंगलो अहमदाबाद गुजरात, बिलिंग एड्रेस अली सर डिजेलिन, गुजरात से है, राशा बंगलो, स्टेट यूटी, शिपिंग एड्रेस अली सर डिजेलिन, कुछ प्रधान। तो मेरी बहन ने भेजा है राखी। दिस इज़ द स्पेशल गिफ्ट फॉर मी, दिस इज़ द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट आप बोल सकते हो। ये क्या है भे, खुल नहीं रहा यार, इसको खोलना पड़ेगा। चलो करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। लेकिन गर्मी लग रहा है यार, इसका फैन को लगा देता हूँ तो फिर। एक सेकेंड करता हूँ, इसको क्या करना है यार, इसको काटो ना, काटो या दूसरी साइड से खोलो, इस इधर से खोलते हैं। चलो, ओ भाई साहब, ओ निकला ये, सॉरी कैमरा पे लग गया, लेकिन अभी ये निकला। ये क्या है मुझे पता नहीं भाई साहब, बहुत अच्छा पैक तो हो गया है यार। आए लव यू ब्रो, अरे भाई साहब उसके अंदर है, ये देख रहे हो, राखी है, रक्षाबंधन का स्पेशल मेरी बहन ने मेरे लिए भेजा, मेरी बच्ची ने। और ये चंदन तिलक है, मतलब पूजा में जो लगेगा। और ये हो गया रक्षाबंधन का एक गिफ्ट, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। लव यू ब्रो, लव यू टू जान, आई लव यू माई सिया, आई मिस यू। मेरी भांजी का अभी हाल ही में, मेरा भांजी का एक साल कंप्लीट हो गया, उसका हो गया है मुंडन। आपको बीच में एक ब्लॉग छोटा सा छोड़ा था मैंने, जिसमें मैंने दिखाया था शंख फूंक रही है, और भाई साहब महाभारत में योद्धा भी ऐसा नहीं फूंक रहे होंगे जैसे वो फूंक रही है। तो थैंक यू सो मच बेटा, कहाँ गया अरे, हाँ ये है चंदन तिलक है, थैंक यू, लव यू, मिस यू सो मच, और मिस माई सिया, लव यू माई बेबी। तेरे लिए मामा इतना एक्साइटेड है, कब तेरे को फिर से गोद में उठाऊंगा पता नहीं। तेरा मुंडन भी हो गया, एक साल भी कंप्लीट हो गया, अभी तक मामा ने कुछ नहीं किया तेरे लिए, तो थैंक यू अगेन।
और अभी करते हैं दूसरा अनबॉक्सिंग, लेकिन उससे पहले कर लेता हूँ फैन ओपन जो कि हमने मंगाया है। तो ये ब्रो, इस ब्रो की चप्पल में आज मैं आज कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। ओह भाई रिलैक्स, फैन चला तो ऐसा ही होता है। मैं जानबूझ के एक्चुअल ब्लॉग बनाने की चक्कर में मुझे थोड़ा दरवाज़ा ये बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये तो मेरा कोई साउंड प्रूफ स्टूडियो है नहीं, तो साउंड का क्या होता है बाहर से कभी आ जाता है कि ऊपर से करो ऊपर से भी आ रहा है, तो वही होता है प्रॉब्लम। तो अभी इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये हो गया अपना, ए काटना इधर है, इसको ऐसे उसड़ देता हूँ। काट दिया मैंने, ओ माय गॉड आया है। तो एक्चुअली मेरा हो गया था परफ्यूम ख़त्म, और मैंने मंगाया है एक, आप देख सकते हैं मैं मंगाया हूँ एक डेला वीटा ओथ, वाइट ओथ अपने लिए। तो क्योंकि ऑफिस जाना होता है तो थोड़ा समझ रहे हो ना, तो बस इसको करते हैं ओपन। एक सेकंड रुक जा भाई, तेरे को ओपन कर देता हूँ, फिर उसके बाद तो जो भी करना करियो टेस्ट करेंगे ना। टेस्ट तो बनता है भाई साहब, टेस्ट करना तो बनता है भाई साहब। तो करेंगे वो भी लग जाता मेरे को, चाकू बहुत होता चाकू का देख लो। इसके चक्कर में मेरा एक बार पॉकेट में रख लिया था, मेरा उंगली भी कटा है, एक बार मेरा जांग भी कट गया था इसके। ये हो गया अनबॉक्सिंग, और मैं तो इसका स्मेल कभी टेस्ट नहीं किया हूँ, डेला वीटा यूज़ किया हूँ लेकिन इतना नहीं। सब लोग बोल रहे हैं कि इसका बहुत होता है, और ये अगर अच्छा लगेगा पूरा का पूरा डेला वीटा का पूरा पैक मंगा लूँगा, वो भी 100 ml वाला। बहुत अच्छा है यार, अभी निकल नहीं रहा है यार, है कि नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं थमा दिया। स्मेल है तो आज एक साथ दो दो, हाँ लेकिन गिफ्ट लाने के चक्कर में भाई साहब बहुत हो गया था लफड़ा। इसको मैंने मंगाया था कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि मुझे शिफ्ट का, हमारा क्या होता है शिफ्ट का कुछ अता पता नहीं रहता है, और ऊपर से मेरे कलीग दो तीन लोग, मतलब दो तीन, एक बंदा छुट्टी पे गया है, दो बंदे तबीयत खराब की वजह से लीव पे हैं। तो हम लोग का शिफ्ट क्या होता है, अभी जो 8-8 घंटा होने वाला, कभी 12 घंटा हो जाता है, कभी 16 घंटा हो जाता है। तो मैं इसलिए इसको मंगाया था कैश ऑन डिलीवरी में, क्योंकि पता नहीं होता ना भाई साहब कब आगे रिटर्न चला जाएगा या कैश मिलेगा नहीं मिलेगा, दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, मिले तो फिर वो लफड़ा हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही इसको डाल दिया था, और ऊपर से उसी दिन मैंने सोचा था अभी इसको डालने के लिए कैश ऑन, मतलब पूरा पेमेंट कर दूंगा, लेकिन उस दिन क्या हो रहा था नेट का बहुत दिक्कत आ रहा था, तो मैंने सीधा इसको कैश ऑन डिलीवरी में डाल दिया। भी आ गया, थैंक यू सो मच बेला बेटा फॉर दिस वंडरफुल परफ्यूम, मस्त है यार। तो आज मेरे लिए बहुत खुशी की दिन है, और सबसे बड़ा गिफ्ट ये है, ये बेला बेटा का तो होता रहता है लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट ये मेरे लिए है, मेरे बच्चे ने भेजा है, थैंक यू सो मच बेटा। एंड सिया को मेरा बहुत सारा प्यार, और संबित को मेरा, संबित से बात कर लेना, और संबित को भी मेरा थैंक यू बोल देना। और ये हो गया, दिस इज माई जी बोलता ना, सबसे अनमोल गिफ्ट ही है। मैं तो अच्छा भाई नहीं हूँ लेकिन ट्राई कर रहा हूँ, अब भगवान कब साथ देगा, अल्लाह कब साथ देगा, मेहनत कर रहा हूँ, दिल लगा के मेहनत करता हूँ। तेरा भाई कभी, तुझे बताए तेरा भाई कभी कहीं पे भी आलस नहीं करता है, दिल लगा के मेहनत करता है, लेकिन अब जमाना ऐसा है, रेफरेंस में सब कुछ चल रहा है, तो देखते हैं जब हो जाएगा। लेकिन ये तो रहता है कि तेरे भाई तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, जैसे कि सब भाई भाइया करते हैं, जैसे किसी कर लेता है, सब लोग कर लेते हैं, मैं भी चाहता हूँ करना लेकिन कर नहीं पाता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करना, मैं भी अभी तक हारा नहीं हूँ खुद से, ट्राई कर रहा हूँ, जिस दिन लग जाऊँगा बड़ा सीधा बड़ा हाथ मारूँगा, और जिस दिन बड़ा हाथ मारा ना मेरी बहन को दुनिया का सारा कुछ दे दूँगा, तेरे को जो चाहिए। फिलहाल मेरे पास जा नहीं है,
मांग ले, दे ही देता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। तो भाई साहब, तो भाई लोग आ रहा है नया ब्लॉग, और मैं ऑलरेडी एडिटिंग उसका 90% खत्म हो गया है। दो ब्लॉग आ रहा है, एक उड़िया में आ जाएगा, और मैं कब से डाल देता, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अभी हमारा दो तीन कलीग छुट्टी पे हैं तो टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, तो एडिटिंग करने के लिए तो टाइम तो चाहिए चाहिए, और ऊपर से ये नेट का जो दिक्कत हो रहा है ना भाई, अभी कुछ हाल ही में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि पहले तो नहीं होता था, अभी हाल ही में हो रहा है। तो भाई साहब, बहुत जल्द आपको दो ब्लॉग मिल जाएगा, फाउंड राइडर आर के में और फाउंड राइडर आर के उड़िया में। तो कीप वॉचिंग, एंड जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, नहीं तो फिर कमेंट करोगे तो और अपडेट करूँगा, नहीं तो फिर सी अगर रामचंद्र की जय, कोई बात नहीं, क्योंकि जिंदगी में इतना कुछ तो खो चुका हूँ, अब थोड़ा और खोलूँगा, और कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत जारी रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम्स, और मेरा बकवास सुनने के लिए इतनी देर के लिए जो जो लोग अभी वीडियो देखने वाले हैं, जो मेरा बकवास सुने हैं, तो थैंक यू सो मच और लव यू ऑल। और जाते जाते फिर से बोल देता हूँ, जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, टिंग पोंग हो जाता है। और वंस अगेन विश यू ऑल ए हैप्पी रक्षाबंधन। आपने अपनी बहनों को क्या क्या गिफ्ट दे रहे हो भाई साहब, लिख के दे देना कमेंट में और बताना प्लीज़, क्योंकि उसी हिसाब से मैं भी गिफ्ट सेट करूँगा, क्योंकि बहन को देने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।